हेलो गाइस, बैठे बैठे बोर हो गया था। मैं सोचा आप लोगों के लिए आप लोगों का ना मनपसंद एंड टेस्टी जो आप लोगों को पसंद है वो डिश की रेसिपी लेके आऊँ। क्या कहते हो? हाँ, आपको रेड सॉस पास्ता की रेसिपी चाहिए ना? अरे यार, फुल रेसिपी दूंगा मैं आपको रेड सॉस की, कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ यार, सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। सबसे पहले टमाटर ले जो आपके घर में है, देसी टमाटर मत लें, खट्टा होता है बहुत। ये ऑर्गेनो हो गया, चिल्ली फ्लैग हो गया, चॉप ऑनियन हो गया, ये बेसिल पत्ता, ये सैली चॉप, और ये गार्लिक चॉप, और एक कैरेट। देखिए कुछ इस तरह से सामान ले। और हाँ, ब्लैक पेपर सॉल्ट ज़रूर लेना। देखिए उसका टमाटर को अच्छे से धो लेना और हल्के से मसाज कर देना कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से मसाज कर देना बस। और क्या करना है उसके बाद? सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है इसका पिछवाड़ा काटना है टमाटर का यार, यानी ये जो गांठ दिख रहा है ना, बस इसको काटना है। ये देखिए ये गांठ बहुत मतलब पिसता नहीं है, इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह काट दे आप और इस तरह से चीरा लगा दे। ये देखिए बहुत सिंपल है, बस इसी तरह करके सबको काटे आप। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कुछ नहीं करना, बस बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही सारे टमाटर को काटे आप। ये देखिए बस, और पैन चढ़ा दे गैस को ऑन करके और उसको उबलने दे बस। ये देखिए थोड़ा लाल होने दे और गुस्से से। ये देखिए लाल हो जाएगा ना जब इसको, बस उसके बाद क्या करना है, एक बॉल लेना, उसमें आइस क्यूब डालना है, ठंडा पानी डालना कुछ। ये देखिए ठंडा पानी डाल दीजिए इस तरह। और जो आपने टमाटर को बॉईल कर रखा है उसको इसमें डाल दीजिए ताकि ठंडा और इसके छिलके उतर जाए। ये देखिए इस तरह से छिलके उतर जाए बस। आप इसको डाल दीजिए ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी का मॉइस्चर होने के बाद ना ये छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल है बस। ये देखिए मैंने ठंडे पानी में डाल दिया इसको अच्छे से। ये देखिए बस कुछ नहीं, 5 से 10 सेकंड तक इसको रहन देना, उसके बाद बस इसको नंगा कर देना अच्छे से। अरे मेरा मतलब है इसके छिलके उतार देना, टमाटर को नंगा करने का मतलब है इसका छिलके उतार देना। हाँ देख लीजिए बस। और उसके बाद इसके पेट के आंतरी वातरी सब बाहर निकाल देना, मतलब इसके दाने। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर के दाने सब बाहर निकाल देना बस। देखिए इस तरह से, बस इस तरह से आप सभी को इसी तरह से आप करिए, छिलके उतारो, नंगा करो, पिचकाओ, इसके दाने सब बाहर निकाल दो। देखिए इस तरह से, उसके बाद बस उसी तरह आप एक एक करके सबको इसके छिलके ऐसे निकाल दीजिए बस। ये देखिए बहुत सिंपल है बस। उसके बाद क्या करना है आपको, मिक्सी लेना है। ये देखिए मिक्सी में डाल दीजिए। देखिए मिक्सी में डालने के बाद आप इसमें कुछ 2-4 बेसिल के पत्ते डालिए। ये देखिए बेसिल के पत्ते डाले, फिर उसके बाद जो आपने सैली चॉप कर रखा है उसको थोड़ा सा डाले, यानी 1 स्पून डाले, ज़्यादा नहीं, मैंने हाथ से ही डाला अंदाजे से। ये देखिए उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के कुछ नहीं करना, मिक्सी के कान को थोड़ा घुमाना है बस, जैसे कान मरोड़ता है ना वैसे 2-3 बार घुमा दीजिए। ये देखिए पेस्ट रेडी है। उसके बाद क्या करना है, पैन गरम कीजिए, ऑयल डालिए, ऑलिव ऑयल। ये देखिए चॉप गार्लिक हो गया, कैरेट हो गया, ये ऑनियन हो गया, और जो मैंने चॉप सैली का रखा उसको डाल दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, स्पैचुला लीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद जो आपने पेस्ट बना रखा उसको डाल दीजिए और बेसिल के पत्ते ऊपर से तोड़ के कुछ इस तरह डाल दीजिए। ये देखिए फिर उसके बाद पकाइए 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए पकने वक्त कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए कुछ हिलाते रहे, ध्यान रखे लगे ना। उसके बाद क्या करना है, जो मसाले वो डाल दीजिए,
चिली फ्लैग है, ओरिगानो है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर और डाल दीजिए ऊपर से। ये देखिए, फिर उसको आप अच्छे से पकाइए। ये देखिए, अच्छे से सौते कीजिए। बस क्या करना है, रेडी है। बहुत ही सिंपल मेथड है अराबिता सॉस बनाने का। ये देखिए, ये पक गया। देखिए सॉस, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अक्सर होटल रेस्टोरेंट में लोग देगी मिर्च कलर डालते हैं, इसलिए लाल दिखाई देता आपको। बट ये विदाउट देगी मिर्च के हैं, इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ये देखिए पास्ता अराबिता सॉस एकदम रेडी है। आप इसको कुछ भी, या स्पैगेटी हो गया, पास्ता हो गया, आप आराम से बॉयल करके डाल के बना के खा सकते हैं। बस ऊपर से चीज़ डाल देना।